नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं शिवडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर समस्या पर डिस्कस करने वाले हैं। चर्चा करना बेहद जरूरी है क्योंकि जो विषय है वो जुड़ा हुआ है शिक्षा व्यवस्था से। जो छात्र हैं वो खुद कमाई नहीं करते, वो आश्रित होते हैं अपने अभिभावक पे, अपने पापा पे, मम्मी पे, अपने घर के बड़े लोगों पे। उनसे बेसिकली पैसा लेके वो पढ़ाई करते हैं और अपना स्वर्णिम भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक लोग हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, या हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो इस चीज को नहीं समझती है और कहीं ना कहीं वो इसको अपना व्यवसाय बना रखी है। इसका एक पूरा एनालिसिस वीडियो में लेकर आया हूं। इस पूरे वीडियो को आप समझिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये दर्द समझना पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि आज मैं सीयूईटी पे भी उंगली उठा रहा हूं कि आखिर सीयूईटी आया किस लिए था। आप सभी को पता होना चाहिए कि सीयूईटी जो है वो 2022 में पहली बार आया, यह उसका दूसरा बर्थडे होने जा रहा है और अपने हर बर्थडे पे एज अ पार्टी सेलिब्रेशन इतना पैसा खर्चा करा रहा है कि छात्र अपना बर्थडे ना सेलिब्रेट कर सके। और मैं इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ बात करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि बस उड़ती बातें यहां पे होंगी, ऐसा नहीं है, पूरे डेटा के साथ जो कि उन्हीं के ऑफिशियल साइट्स या उन्हीं के ट्विटर पे पूरा अच्छे से दिया हुआ है। सो फाइनली आप देख रहे हैं सीयूईटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपका कोई भी अपडेट्स मिस ना होने सके। और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो हम सभी के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। और जो छात्र जो 16 लाख सीयूईटी में, 15 लाख नीट में, वही 15-16 लाख जेईई मेंस में, ये जो तमाम बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिसका एग्जाम कमेटी जो है वो एनटीए है जो कि इस यूजीसी के अंतर्गत आता है, ये पूरा स्कैम समझना पड़ेगा आपको। सो प्लीज ये हर बच्चा को देखना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लास्ट में बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सॉल्यूशन का। और आप घर बैठे कुछ नहीं करना है, अपने लिए आवाज उठाना है। देखो भाई, खामोशी हां बयां करती है। अगर आप खामोश हो जाओगे, शांत हो जाओगे, तो इसका मतलब उन्हें लगेगा कि आपको कोई तकलीफ दर्द नहीं है और आप चाहते हो कि आपसे ऐसे ही पैसे वसूले जाए, हजारों लाखों करोड़ों रुपए, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि सीयूईटी का जब फॉर्म डालते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट को ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम लोग सीयूईटी दे चुके हैं तो यूनिवर्सिटीज अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन कर रही हैं और वो भी हमसे एक अमाउंट पे करा रही हैं, जबकि वो एडमिशन की कोई गारंटी नहीं दे रही है। साथ ही साथ ऑलरेडी उन्होंने अलर्ट में लिख रखा है या फिर इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है कि ये जो पेमेंट है नॉन रिफंडेबल है, यानी आप हमें पैसे दो और हम आपको पैसा कतई नहीं रिटर्न करने वाले, ठीक है। आइए डेटा के साथ बात करते हैं। ये लास्ट ईयर का डेटा है जो कि एज इट इज इस ईयर भी रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं लास्ट ईयर का डेटा लेकर आया हूं। लास्ट ईयर भी देखा गया कि बीएचयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब ऑन करता है तो आपसे पैसे लेता है, डीयू जो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन करता है तो आपसे पैसे लेता है। इस बार भी डीयू और बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन कर दिया और एज ए काउंसलिंग फीस आपसे ले रहा है, कितना, 200-250 रुपए। कुछ यूनिवर्सिटीज अभी जो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन करेंगी तो वो आपसे अमाउंट लेंगी 1000, 1400, 1500, 1800 रुपए तक लेंगी, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कैसा है, उसमें कैसे कोर्स रन कर रहा है, ये सच है। लास्ट ईयर का आप डेटा देख सकते हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने 1000 रुपए लिए थे बस रजिस्ट्रेशन के, ये एडमिशन की फीस नहीं है, ध्यान देना, ये पेमेंट बस आपसे लिया गया था कि आप हमारे यहाँ इच्छुक हो कि नहीं, आप हमारे यहाँ इच्छा रखते हो कि नहीं एडमिशन के लिए, और ये पेमेंट रिफंडेबल नहीं था। बहरहाल आगे डेटा के साथ एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं। यहाँ पे अजय कुमार जी ने अपने ट्विटर पे खुद एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को रखा है, बताया कि हमारे यहाँ एक गुड न्यूज है, 41% इंक्रीज कर रहा है हमारा सीयूईटी का फॉर्म इस साल, मींस कि पिछले साल से इस बार हम लोग 41% ज्यादा फॉर्म को सबमिट करा पाए हैं और इस बार का जो टोटल अमाउंट फॉर्म का आया है वो आया है टोटल 61,85,000। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ध्यान दीजिएगा, और इस तरीके से ये
टॉप एप्लीकेशंस भरा जाने वाला एज 10+2 का फॉर्म बन चुका है। ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं नीट और सीयूटी पैरेलल है ईयर बाय ईयर 15-16 करके, और उसमें जो बच्चों ने पेमेंट करा वो लगभग 14 लाख लोगों ने करा, मतलब रजिस्ट्रेशन करा फिर पेमेंट करना होता है, आपको पता होगा लास्ट स्टेप। तो टोटल जो इस बार सीयूटी का फॉर्म है वो है 13,99,000 अप्रोक्स 14 लाख, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है अप्रोक्स वैल्यू है। लगभग एक बच्चों को जो पे करना पड़ा होगा वो पे करना पड़ा होगा लगभग 1,000 रुपए, अगर उसने स्लॉट 1 लिया होगा तब पूरा लेके साइबर वगैरह का पेमेंट, अगर उसने दोनों स्लॉट भरा होगा तो लगभग हो जाएगा 1400-1500 रुपए। मैं 1400-1500 को और 700 का एवरेज लेके 1000 लिखा हूं, मान लो कि 14 लाख फॉर्म भरा और 1000 एक बच्चा पे किया, करोड़ों रुपए का अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा हुआ इनके पास, करोड़ों रुपए का। सेम अमाउंट के साथ ये लोग नीट का फॉर्म भरवाते हैं, सेम अमाउंट के साथ जेईई मेंस का फॉर्म भरवाते हैं और चार बार भरवाते हैं, चार बार पैसा लेते हैं, और उसके बाद फिर एडवांस का फॉर्म भरवाते हैं और फिर एडवांस में उसका तिगुना पैसा लेते हैं लगभग। बस ये सोचो कि ये जो यूजीसी है या फिर जो इनकी कंडक्टिंग बॉडी एनटीए है कितना पैसा कमा रही है, इनका बस साल भर का 250-300 करोड़ रुपए बस ये 10+2 के एग्जाम से कलेक्ट हो जा रहा है, 250-300 करोड़ रुपए। जबकि ये जो यूजीसी है एनटीए को हर साल टॉप 10 बड़े एग्जाम कंडक्ट करने के लिए देती है टेंडर, यूजीसी नेट लगभग 10 लाख फॉर्म, 6-7 लाख एवरेज फॉर्म भरता है साल में 2 बार, उसका भी फीस कुछ इसी तरीके से, आपको बाकी में रिटेल बता दिया। आगे देखते हैं कि अभी एक बच्चे को कितना पेमेंट देना पड़ेगा वो समझो पहले। डीयू जो है वो अपने यहाँ इस बार हाईएस्ट फॉर्म भरवाया है, इट मींस कि डीयू के लिए सबसे ज्यादा बच्चे इच्छुक हैं। रीजन ये है कि डीयू में कॉलेजेस ज्यादा है, इनके एफिलिएटेड कॉलेज बहुत ज्यादा है और इनके यहाँ डीयू में अकेले जो सीट है वो आपका लगभग 71,000 के आसपास है, बहुत ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, ये पूरे एफिलिएटेड और जो भी इनके कॉलेजेस को मिला के टॉप और एफिलिएटेड मिला के लगभग इतनी सीटें, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ज्यादा इच्छा रखेंगे इनके एडमिशन के लिए। और इस 5 लाख में मैंने एकदम मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है कि 2 लाख बच्चे जो है वो इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे एज अ नॉन रिफंडेबल मनी देके, यानी 200 रुपए, लगभग 2×2=4, 40 लाख रुपए के आसपास तो इनका यही आ गया। अगर मैं बस 2 लाख मानता हूं तब, जबकि ऐसा नहीं कि 71,000 के बस 2 लाख फॉर्म पड़ेंगे, कम से कम 4 लाख पड़ेगा, अगर 4 लाख पड़ा तो कम से कम 80 लाख के आसपास सोचो, ये बस पेमेंट उनके यहाँ इकट्ठा हुआ है एज अ यूनिवर्सिटी फंड में। बीएचओ के यहाँ लगभग 3-4 लाख फॉर्म मान लो पड़ा होगा, जबकि इससे ज्यादा, क्योंकि इसका डेटा मुझे मिल नहीं रहा था। एयू जो है वो तीसरे नंबर पे, लेकिन टॉप लिस्टेड है यूनिवर्सिटी जो कि आप सीयूटी में फॉर्म डाले हो, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और इनके यहाँ लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन होगा, अगर मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 1 लाख 1 लाख, अगर यहाँ 200 रुपए भी पे करना पड़ा तो लगभग इनके यहाँ भी 20-20 लाख रुपए आराम से इकट्ठा होगा, जबकि ऐसा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, इसके डबल फॉर्म आराम से भरे जाएंगे, क्योंकि भाई 14 लाख फॉर्म भरा हुआ है। अब 14 लाख में क्या 2-3 लाख में यहाँ फॉर्म नहीं आएंगे, आराम से आएंगे। तो जस्ट ये इमेजिन करो कि कितना ज्यादा ये लोग पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी यूजीसी को रिकमेंड करती है गाइडेंस एंड रूल्स बनाने के लिए और फंडिंग जनरेट करने के लिए, फंडिंग को देने के लिए, जो भी इनका मैनेजमेंट होता है फैकल्टी एवरीथिंग उसके लिए ऑलरेडी इनकी संस्था बनी है और वो पेमेंट वहां उनका जाता है, जैसा कि आप लोग सुने होंगे बजट में पास होता है। फिर ये पैसे की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बच्चों से आप वसूलो, और सबसे बड़ी बात ये है कि यूजीसी जो है, यानी जो हमारी ग्रांट कमीशन है जिसके चेयरमैन अमित कुमार जी हैं, उनको रूल्स एंड गाइडेंस के लिए बनाया गया, तो उनको तो कम से कम ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटी या इनके अंदर में जो भी यूनिवर्सिटीज आती है उसके लिए रूल बनाना चाहिए कि भाई आप इससे ज्यादा पेमेंट मत लो या आप रजिस्ट्रेशन फीस मत लो, आप बस सीधे एडमिशन करा के जो पेमेंट लेना होगा वो ले लेना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग बकायदा पूरा भर भर के पैसा लेते हैं। अब एक बच्चे का अमाउंट हम लोग काउंट करते हैं कि एक बच्चा जो है वो एज ए स्टूडेंट जो कि बेरोजगार है, जो नहीं कमाता है और ना कमाने वाले से ये लोग कैसे पैसा लेते हैं, ये बात सोचने वाला है। मैं इसीलिए बोला मेरे वीडियोस देखा करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस देता हूं जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, आप देख लेना इन सब चीजों पे, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है, वो जनरली पैसे कमाने वाले वीडियोस बनाएंगे, ऐसे वीडियोस नहीं बनाएंगे जहां पे लॉजिकली हमारे साथ सही नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, उस चीज पे बातें होनी चाहिए। और बेसिकली मैं उसी बातें कर रहा हूँ। सीओटी का फॉर्म बच्चा डालता है, मैं मान के चलता हूँ उसने 1000 पे किया, ठीक है, एवरेज में ले रहा हूँ, ओके,
बीएचयू में 200 दिया, डीयू में 250 दिया और एयू में फिर लगभग 200 दिया, और अदर यूनिवर्सिटीज मिला के अगर राजस्थान जैसा रहा तो अकेले 1000 दे देगा, और मान लो कोई अदर यूनिवर्सिटीज में 2-3 ले लिया तो 3-4000 ही हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने 1000 काउंट किया। काउंट करो कितना हो रहा है, लगभग 2-3-6, 650 लगभग 2650 रुपए, अप्रोक्स मान के चलता हूं 2500 रुपए। यानी एडमिशन से पहले आप यहां पे 2500 रुपए जो है वो पे करने वाले हो एक बच्चा लगभग। इतना ही नहीं, अगर इसी बच्चे को मान लो 3 क्वेश्चन क्लेम करना होगा, और ऐसा होने वाला है क्योंकि एनटीए बहुत चालाक है, वो अक्सर ऐसा करेगी कि आप क्लेम नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर हमारा क्लेम को और क्वेश्चन सही हो जाता है तो हमारी पेमेंट को रिटर्न करना चाहिए, बट ऐसा ये लोग फिर भ्रमित कर देते हैं, होता है नहीं होता है कोई गारंटी नहीं है। मान लो 3 क्लेम करा, 200 रुपए के रेट से 600 रुपए और ऐड कर लो, ये हो जाएगा लगभग 3000, 3100 लेके चलता हूं। यानी एक बच्चा अभी 3000 पे करने वाला है बिना एडमिशन के, उसके बाद आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क। एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है इन 16 लाख बच्चों में ये जो अमाउंट है 16 लाख का, जाहिर सी बात है मान लो 16 लाख में 14 लाख ही फॉर्म पेमेंट हुआ है। अब ये जो 14 लाख बच्चे एडमिशन के लिए जो अपना एग्जाम दिए हैं, ठीक है ये 14 लाख पूरे एग्जाम भी नहीं दिए होंगे, इसमें कुछ एब्सेंट होंगे, मैं 10 लाख मान लेता हूँ, ठीक है चलो 10 लाख जो बच्चे हैं, तो क्या ये 10 लाख बच्चों को एडमिशन देंगे, नहीं देंगे, कुछ लाख बच्चों को ही एडमिशन देंगे, 2-3 लाख, बाकी बच्चे अपना आगे पीछे साल करके गैप ईयर में जाएंगे या कहीं भी अपना कहीं एडमिशन ले लेंगे अपने आसपास यूनिवर्सिटी में। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेमेंट तो पूरे 10 लाख से लेते हो, एडमिशन पूरे को देते नहीं हो, और उसके बाद जो इसमें से मान लो 2 लाख बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, सपोज की 2 लाख, जबकि इससे ज्यादा देंगे, मैं आपको एक लघु बता रहा हूं, 2 लाख बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, इन 2 लाख को एडमिशन देने के बाद फिर इससे अपने कोर्स का पेमेंट लेंगे, सेमेस्टर फी 5000-6000, विभाग जैसे कोर्स में 35000-50000, लाखों रुपए। इसीलिए मैं ट्विटर पे टैग कर रहा हूं, जो भी हमारे शिक्षा जुड़े हुए प्रशासनिक लोग हैं आप जाइए उस लिंक को क्लिक करिए और आप भी अपने प्रॉब्लम्स को वहां पे शेयर करिए एज अ छात्र, कि आपके साथ ऐसे अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय मिले ना मिले, अगर गलत हो रहा है तो आवाज जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि आवाज नहीं उठाओगे तो ये खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, आप खुद के साथ अन्याय कर दिए फिर। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को हर एक दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, और आप यूजीसी से जरूर पूछना कि सीयूटी किस लिए लाए थे। ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे पूरे लोगों को एक साथ ला के एक पेपर के थ्रू एडमिशन के लिए भेजा जाए, ये तो सही था, लेकिन जो आप इससे अपना एक बैकअप बना रहे हो, पेमेंट ले रहे हो लोगों से, वो कहां से। इसमें मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, जो ग्रामीण क्षेत्र से गरीब लोग आते हैं वो कहां पेमेंट कर पाएंगे, इतना पैसा कहां से भरेंगे, और अपने गार्जियन से कितनी बार पैसा मांगेंगे, वो सबसे पहले बताइए। पापा 1000 रुपए फॉर्म भरना है, 200 रुपए फिर दीजिए बीएचयू, फिर 200 डीयू, फिर 200 दीजिए इलाहाबाद का भरना है, पापा 2 क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है, 400 रुपए दीजिए क्लेम करना है, क्या कर रहे हो ये रोज रोज ऐसा ही होता है। मिडिल क्लास फैमिली में जाके देखो ऐसे ही करना पड़ता है, कई बार गुस्से में बोल देते हैं कि नहीं जाओ हो गया बहुत हो गया, गाँव में नाम लिखवा लिया हो देता एडमिशन ना हो पाई तो ना पढ़ पाएगा, चला गाँव वाले पढ़ गया। तो भाई ये कंडीशंस आप क्रिएट कर रहे हो ना, आप इतना पैसा ले रहे हो। प्रशासनिक लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आपके बच्चे बाहर जाके पढ़ाई कर लेने विदेशों में, हमारे देश की स्थिति ये है कि आप उन्हें ठीक से शिक्षा भी नहीं दे सकते हो, जबकि ये फ्री होना चाहिए। सो रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज पूरे छात्रों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर कोई ट्विटर पर जाके अपना दर्द जरूर लिखेगा, न्याय मिले ना मिले दर्द जरूर लिखेगा, लिखना जरूर कि ये सही नहीं है, इज ए स्कैम, लाइक ये अन्याय है हमारे साथ, हमसे ऐसे पैसे बार बार ना लिए जाए, या तो सीधे सीधे बोल दो कि हम गरीब हो गए हैं, हमारे जमीन जायदाद सब बेच के जितने पैसे चाहो हमसे ले लो, एक बार में ये भी लिख देना। सो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर जरूर करें, ट्विटर पर जाएं टैग करें अपने आईडी से भी, और जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्वीट कर रखा है उसका लिंक जाकर रिट्वीट मार, जिससे उन्हें रियलाइज हो कि हम अंधे नहीं है, हम बहरे नहीं है, हमें इतना
हमारी मानसिक चेतना है कि आप अन्याय करोगे तो हमें समझ में आएगा और हमारी तकलीफ को समझा जाए और हमें न्याय दिया जाए और शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। और खासकर ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के नाम पे इस तरीके से बेवजह स्कैम लाइक एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लिया जाना चाहिए। मुस्कुराते रहे, नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे कि बीएचयू और डीयू और इलाहाबाद में सबसे बेस्ट कौन सा है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत।